अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा पिछोर बाबा साहेब अम्बेडकर के परिनिर्वाण सामाजिक समरसता दिवस के उपलक्ष्य में बाबा साहब संदेश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का उद्देश्य समाज में समरसता का संदेश देना रहा। सभी विद्यार्थियों ने नारे लगाते हुए समाज में समानता का संदेश दिया। संदेश यात्रा का शुभारंभ शासकीय छत्रसाल सभागार से नगर के मुख्य मार्ग से गुजरती हुई बस स्टैंड डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समापन किया गया। रैली में नगर के लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य दीपक पालवंशी ने बताया कि 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब ने जीवन की अंतिम सांस ली। इतने कम समय में उनके अथक योगदान भुलाया नहीं जा सकता। भारत भूमि धन्य है जिसने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज में छुआछूत का अंत किया और समाज को नई दिशा देने का काम किया। आभाविपा सदैव महापुरुषों के कदमों पर युवा पीढ़ी को लाने कर प्रेरित करती है। सामाजिक समरसता दिवस की उपस्थिति में नगर अध्यक्ष दीपक राजपूत, नगर मंत्री श्याम सुंदर प्रजापति, रूपेश पटेल, संजीव पाल, गौरव पटेरिया, ऋषि कोहली, नमन मिश्रा, देव कुशवाहा, संजय पाल, राधिका भट्ट, वंदना केवट, दिव्या कुशवाहा, रागिनी कुशवाहा, ईशा तिवारी, अजय कुशवाहा, गीता कुशवाहा, पूजा राजौरिया, समीक्षा लोधी आदि कार्यकर्ता, समस्त छात्र शक्ति उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? दीपक पालवंशी। अच्छा दीपक, आप जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आज रैली निकाली गई, क्या है मुख्य? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई पिछोर द्वारा बाबा साहब के परिनिर्माण दिवस सामाजिक समरसता दिवस के उपलक्ष्य में हमने पिछोर में समस्त छात्र शक्ति के साथ रैली निकाली है, बाबा साहब की संदेश यात्रा। और रैली के बाद हमने बस स्टैंड पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली का समापन किया है, जिसमें समस्त पिछोर के नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर छात्र शक्ति का उत्साह बढ़ाया और बाबा साहब को याद करते हुए सभी ने बढ़ चढ़कर सहयोग लिया।